दोस्तों आइए आज जानते हैं जी फॉल्विन टैबलेट के बारे में। जी फॉल्विन टैबलेट कितना फ़ायदेमंद है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट है और जी फॉल्विन टैबलेट लेने पर हमें क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ये सब जानकारी इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं जी फॉल्विन टैबलेट के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं ऐसी कोई भी मेडिसिन सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य आपको जानकारी देने का है। कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। ऐसी कोई भी दवा अगर आप लेते हो तो ये आपका या आपके डॉक्टर का निर्णय होगा। सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज आमिर एंड यू वॉचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटे वाले बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आप मेरा वीडियो मिस न कर सके। दोस्तों जी फॉल्विन टैबलेट के बारे में जानने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं इसमें कौन कौन से कंपोजिशन है। दोस्तों जी फॉल्विन टैबलेट में फॉलिक एसिड, राइबोफ्लाविन, नाइसिनामाइड और पायरीडॉक्सिन है। आइए एक एक करके जानते हैं इसके फायदे के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फॉलिक एसिड के बारे में। दोस्तों फॉलिक एसिड मतलब विटामिन B9। फॉलिक एसिड एक तरह का विटामिन B9 है। फॉलिक एसिड को फोलेट भी कहा जाता है। फॉलिक एसिड एनीमिया के इलाज में काफी फायदेमंद है। फॉलिक एसिड खून की कमी को पूरा करने में ये काफी असरदार है। इसके साथ ये कई तरह के प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में भी फॉलिक एसिड बहुत फायदेमंद है। दोस्तों फॉलिक एसिड मेमोरी को शार्प बनाता है, दिमाग तेज करता है और डिप्रेशन को भी कम करने में मदद करता है। दोस्तों इसके बाद जानते हैं राइबोफ्लाविन के बारे में। राइबोफ्लाविन कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये एंटी एजिंग के रूप में भी काफी फायदेमंद है। दोस्तों राइबोफ्लाविन माइग्रेन के ट्रीटमेंट में भी ये काफ़ी असरदार है। राइबोफ्लाविन रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन की कमी को भी पूरा करने में काफ़ी मददगार है। राइबोफ्लाविन की कमी से कई तरह के स्किन रोग भी हो सकते हैं। ये स्किन हेल्थ के साथ साथ आंखों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। राइबोफ्लाविन एंटीऑक्सीडेंट में भी काफ़ी असरदार है, मतलब एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है और आंखों के लिए ये काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। इसके बाद जानते हैं नाइसिनामाइड के बारे में। दोस्तों नाइसिनामाइड जो एक तरह का विटामिन B3 है, विटामिन B3 को ही नाइसिनामाइड या निकोटिनामाइड या फिर नाइसिन कहते हैं। दोस्तों नाइसिनामाइड डिमेंटिया रोग के लिए काफ़ी अच्छा दवा माना जाता है। डिमेंटिया रोग मतलब कंफ्यूजन होना या भूलने की बीमारी होना। डिमेंटिया रोग में भूलने की बीमारी होती है पेशेंट को, उसके रोकथाम के लिए नाइसिनामाइड काफ़ी फायदेमंद है। इसके अलावा पैलिग्रा रोग या डायरिया में भी ये काफ़ी अच्छा विटामिन है, डायरिया के इलाज के लिए भी। इसके अलावा यह DNA की मरम्मत भी करता है और एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। इसकी कमी से एनर्जी में भी कमी हो सकती है। ये नाइसिनामाइड एनर्जी प्रोड्यूस करने में भी सक्षम है। दोस्तों आइए इसके बाद जानते हैं पायरीडॉक्सिन के बारे में। पायरीडॉक्सिन के क्या क्या फायदे हैं। पायरीडॉक्सिन मतलब विटामिन B6। दोस्तों पायरीडॉक्सिन कमजोरी दूर करता है और बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रखता है। विटामिन B6 मतलब पायरीडॉक्सिन आँखों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। विजन इम्प्रूव करने में विटामिन B6 या पायरीडॉक्सिन काफ़ी फायदेमंद है। ये स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। दोस्तों पायरीडॉक्सिन लीवर को साफ रखने में भी काफ़ी मदद करता है। ये फूड पॉइजनिंग के खतरे को भी कम करता है। ये लीवर से हानिकारक केमिकल को शरीर से बाहर करने में मदद करता है, जिससे पेट की प्रॉब्लम से या लीवर की बीमारी से बचा जा सकता है। दोस्तों पायरीडॉक्सिन को एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेस और टेंशन को कम करने में भी काफ़ी मदद करता है। जिसे स्ट्रेस है या जिसे डिप्रेशन है
उसके लिए भी पाइरीडॉक्सिन काफ़ी असरदार है। दोस्तों, पाइरीडॉक्सिन की कमी से भी नींद में काफ़ी बदलाव होता है। नींद से संबंधित हार्मोन को पाइरीडॉक्सिन पूरा करता है, बढ़ाता है, जिससे नींद अच्छी आने में मदद मिलती है। दोस्तों, पाइरीडॉक्सिन नर्व डिसऑर्डर के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। ये नसों को सेहत प्रदान करता है और नसों को हेल्दी रखता है। दोस्तों, ये तो था जीफॉल्विन टैबलेट के इंग्रेडिएंट की जानकारी। इसे कब लिया, मतलब क्यों लिया जा सकता है, इसे कब डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, किस लिए सजेस्ट करते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, जीफॉल्विन टैबलेट कई तरह के प्रॉब्लम में इसे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, जैसे खून की कमी या माइग्रेन प्रॉब्लम, अधकपारी जिसे कहते हैं, या फिर मसल्स पेन या मांसपेशियों में जकड़न होना, या फिर डायरिया या हाई कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस पेन, मेंटल प्रॉब्लम जैसे अल्जाइमर डिजीज या भूलने की बीमारी, या फिर एक्ने या मुहासों में। एक्ने और मुहासों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा विटामिन है। दोस्तों, ये तो था जीफॉल्विन टैबलेट के फायदे के बारे में। अब आइए जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, जीफॉल्विन टैबलेट लेने पर साइड इफेक्ट तो ना के बराबर है, क्योंकि ये पूरी तरह से विटामिन है, लेकिन ये एक मेडिसिन है, इसलिए इसके भी कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरह के एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं कभी कभी, जैसे उल्टी जैसा लगना, पेट फूलना या मुंह का कड़वा लगना, स्वाद में बदलाव होना, या इसके अलावा भी कुछ एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये तो था जीफॉल्विन टैबलेट के बारे में जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।